हनुमानगढ़ से है जहाँ जलदायु ऊर्जा व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला एक दिवसीय हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रही। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला ने जिले की जनता से आह्वान किया है कि कोरोना से बचाव का मास्क ही एकमात्र साधन है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकली, वैक्सीन के अभाव में मास्क ही आपका बचाव कर सकता है और आप दूसरों का बचाव कर सकते हो, लिहाजा इसलिए मास्क पहनकर ही घर से निकले। मास्क के माध्यम से अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं, पूरे शहर को बचाएं। जिला प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ आए बी डी कल्ला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बामचंद से कोरोना से बचाव को लेकर ये आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर ही घर से निकले, आवश्यकता होने पर ही निकले, अन्यथा घर पर ही कार्य करें। राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में अक्टूबर महीने में नो मास्क नो एंट्री का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहे। 1 करोड़ मास्क सरकार से बनवा कर बंटवाई है। डॉक्टर कल्ला ने लोगों से ये भी आह्वान किया कि किसी भी व्यक्ति को खुद में कोरोना के लक्षण मिले तो उपचार जरूर करवाएं। वायरस के फेफड़ों में पहुंच जाने पर दिक्कत होती है, लिहाजा लापरवाही ना बरतें। सरकार द्वारा से नियंत्रित करने के लिए इलाज किया जा रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है। कोविड के प्रति सजग और सतर्क रहने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू किया है। हम सब इसमें सहयोग कर और सतर्क होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े। इससे पहले भी दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का हनुमानगढ़ विधायक जोधरी विनोद कुमार, नौहर विधायक अमित चौचान, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, SP राशि डोगरा, नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल, कृषि उपज मंडी चेयरमैन रामेश्वर चावरिया ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके अलावा स्वागत करने वालों में पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल, पूर्व विधायक आदराम, पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर शामिल रहे। कल कोविड के खिलाफ घर घर में एक स्टिकर लगाने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ नो मास्क नो एंट्री का लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर घर से निकले, आवश्यकता होने पर निकले, अन्यथा घर से ही काम करे। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे मास्क हम लोग खुद बांटेंगे। राज्य सरकार के द्वारा पूरे अक्टूबर महीने में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग होगी, ये कार्यक्रम बराबर चलेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति राजस्थान में बिना मास्क के नहीं रहेगा। 1 करोड़ मास्क राजस्थान सरकार ने बना करके बंटवाए हैं और जरूरत पड़ेगी तो और मास्क बनाएंगे। स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ अन्य संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और खास तौर से हनुमानगढ़ के निवासियों को, प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूँ कि मास्क ही एक बचाव का साधन है। इसके अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है। वैक्सीन के अभाव में मास्क आपका बचाव कर सकता है और आप दूसरों का बचाव कर सकते हो। इसलिए मास्क पहनकर ही आप घर से निकलें और मास्क के माध्यम से अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं, अपने शहर को बचाएं। इसके अलावा जगह जगह थूकने का काम बंद कर दें। आपको थूकना है तो वॉश बेसिन में थूकें, उसके बाद हाथ धो लें, मुंह धो लें जी। हर जगह थूके नहीं, 2 गज की दूरी पे रहकर ही एक दूसरे को बात करें। मास्क लगाया हुआ हो तो ये दूरी कम भी हो सकती है, लेकिन बिना मास्क के तो कम से कम 2 गज की दूरी रखनी ही चाहिए। यदि किसी को टच कर लिया है तो साबुन से हाथ धोएं। और कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी को कोई लक्षण कोरोना का मिले तो तत्काल जांच कराएं, उसका उपचार करें। उपचार करने पर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे ये रोग आगे नहीं बढ़ता है, ठीक भी होता है, लेकिन जब ये फेफड़ों में पहुंच जाता है तो फिर आज देखिए हमारे एक साथी कैलाश जी हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उसका बहुत बड़ा दुख है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कोरोना हो गया। तो आप देखिए जो बिल्कुल संपर्क में नहीं है उनके ही हो जाता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में उनको कितना खतरा है जी। इसलिए कोविड के प्रति जागरूकता अभियान, सजग और सतर्क रहने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू किया है। आइए हम सब लोग इसमें सहयोग करें और सतर्क रहकर इस कोरोना से लड़ाई लड़े जी।